स्वागत है आपका हमारी वेबसाइट rkela.in पर। स्टार्ट करते हैं गांधी जयंती से जुड़े हुए निबंध पे अपनी बात। गांधी जयंती हर साल 2 अक्टूबर को मनाई जाती है, तो आज हम लेकर आए हैं एक विशेष हिंदी में निबंध जो गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर गांधी जी की जीवनी पर प्रकाश डालता है। तो स्टार्ट करते हैं जो गांधी जी की जीवनी है इस निबंध के माध्यम से हम आपको बता देते हैं। जानकारी के लिए बता देते हैं ये निबंध हमारी वेबसाइट rkela.in पर भी उपलब्ध है। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके गांधी जी से जुड़े और अपडेट्स पा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं गांधी जी से जुड़ा ये निबंध गांधी जयंती के अवसर पर। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि गांधी जी हमेशा ही अहिंसा के विरुद्ध थे। इसलिए 2 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2007 में गैर हिंसा के अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया था। गांधी जी को शांति और सच्चाई के प्रतीक के रूप में भी याद करते हैं। गांधी जी का जन्म एक छोटे से गांव पोरबंदर गुजरात में 1869 में हुआ था। गांधी जी वकालत करने इंग्लैंड चले गए, वहाँ से उन्होंने कानून की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद वे भारत लौट आए, उसके बाद नौकरी करने के लिए दक्षिण अफ्रीका चले गए। दक्षिण अफ्रीका में उन्हें नस्ल भेद का सामना करना पड़ा। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा सच्चाई के साथ मेरा प्रयोग अपनी आत्मकथा में जीवन के इतिहास का वर्णन किया। ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत की आज़ादी के लिए लड़ते रहे। गांधी जी सरल जीवन, उच्च सोच वाला व्यक्ति थे। गांधी जी धूम्रपान, अस्पृश्यता और गैर शाकाहार का विरोध करते थे। 2 अक्टूबर के दिन भारत सरकार द्वारा शराब की बिक्री पर पूरी तरह रोक है। गांधी जी सच्चाई और अहिंसा के अग्रणी थे, जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। नई दिल्ली के राजघाट पर उनकी प्रतिमा को फूलों से सजाया जाता है, प्रार्थना की जाती है और उनके पसंदीदा गीत रघुपति राघव राजा राम पति ते पावन सीताराम गाकर श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। महात्मा गांधी जी एक महान व्यक्ति थे। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गांधी जी ने न केवल अहिंसा के अद्वितीय विधि का बीड़ा उठाया था, बल्कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करवाकर दुनिया को साबित कर दिया कि आज़ादी अहिंसा के पथ के माध्यम से शांतिपूर्ण ढंग से प्राप्त की जा सकती है। गांधी जी आज भी शांति और सच्चाई के प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं। तो ये था गांधी जी के जीवन पर प्रकाश डालने वाला एक निबंध। तो ये निबंध आप हमारी वेबसाइट rkela.in पर विजिट करके पढ़ सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल द निरसी न्यूज को और विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट rkela.in पर।